आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने आधार की वैधता को तो बरकरार रखा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि आधार कहां जरूरी है और कहां जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कुछ मामलों में आधार की अनिवार्यता को सिरे से खारिज किया है। तो आइए जानते हैं आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नंबर एक, स्कूलों में आधार की अनिवार्यता खत्म। आधार पर अपना फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अनिवार्य नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों को आधार न होने की वजह से सर्व शिक्षा अभियान जैसे लाभ से वंचित न किया जाए। बच्चों का आधार बनाने के लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी है, जबकि वयस्क होने के बाद वो आधार को लेकर खुद तय कर सकता है। नंबर दो, मोबाइल नंबर से आधार लिंक गलत। अगर आपको मोबाइल कंपनियों की ओर से अपने नंबर को आधार से लिंक कराने के मैसेज आ रहे थे, तो अब आपको इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार से मोबाइल को लिंक करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को असंवैधानिक बताया है। नंबर तीन, बैंक से आधार लिंक जरूरी नहीं। मोबाइल नंबर की तरह अब बैंक अकाउंट को भी आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी संविधान के खिलाफ करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है। नंबर चार, CBSE, NEET, UGC में आधार जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE, NEET और UGC आदि में आधार को गैर जरूरी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर CBSE, NEET, UGC आधार को जरूरी बनाते हैं तो ये गलत है और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नंबर पाँच, निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकती। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे आधार नहीं मांग सकती है। कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राइवेट पार्टी आपका डेटा नहीं देख सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।